नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सभी लीगल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। काफी कुछ सवाल हो गए थे आप लोगों के, तो आज का वीडियो उन्हीं सब को लेकर के है। कुछ नई जानकारियां जिस इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है, वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया पेज पर आप पब्लिश कर सकते हैं, जहां से सब तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, मोटे मोटे आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं वो अपॉइंटमेंट का, तो आप सबको बता ही दिया जो चल रहा है। वो फिलहाल जो है वो 15 दिन वाले अपॉइंटमेंट खुले हुए हैं। किसी की नूलावस्था में यदि 15 दिन बचे हुए हैं, जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है वहां पर अप्लाई करके। एक दूसरा सवाल आ रहा है फैमिली अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, कि फैमिली अपॉइंटमेंट का क्या करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल काफी दिन हो गए फैमिली वाले जो अपॉइंटमेंट है, जिनको फैमिली से नूलावस्था मिली हुई है, उनके अपॉइंटमेंट नहीं खुले हैं। काफी दिन हो चुके, काफी महीने हो चुके ये कहें तो। ये जो अपना जो नॉर्थ ज्यूरिडिक्शन है उसमें ये ओपन नहीं हुए हैं। इसका मतलब यही है कि हम यही मान के चल रहे हैं कि जल्द ही उनके अपॉइंटमेंट ओपन हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। आपको करना वही है, इंतजार करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का, कब खुलेंगे उसी दिन आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो VFS की वेबसाइट है उस पर साफ लिखा हुआ है कि यदि फैमिली वाले नूलावस्था है और उनकी नूलावस्था खत्म होने में केवल 15 दिन ही बचे हैं, तो वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के VFS जा सकते हैं और अपने पेपर जमा करा सकते हैं। हालांकि VFS में जाने पर वहां पर आपके साथ में इतना आसान नहीं होता कि वो इस चीज को मान जाते हैं कि हाँ ये हमारा ही रूल है, आप जमा करवा दीजिए, 15 दिन बचे हैं तो आ जाइए। थोड़ी बहुत आपको जिद्दोबहस करनी पड़ेगी, और यदि उससे भी नहीं मानते ना, किसी न किसी वहां पर कोई खड़ा होगा, उसको थोड़ा बहुत कुछ ले दे करके और आपको जाना पड़ेगा अंदर। ये चल रहा है फिलहाल फैमिली अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। तरीका बाकी वही है, अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। फैमिली वाले जो अपॉइंटमेंट है वो इस लिंक से नहीं लिए जा रहे हैं जहां पर ये वर्क वाली नूलावस्था जो 15 दिन वाला ये चल रहा है सारा लिंक वेब फॉर्म वाला। ये केवल जो काम वाली नूलावस्था निकली है, जिनको डेक्रेटो फ्लूसी में नूलावस्था मिली है, उनके लिए है वो लिंक। बाकी फैमिली वालों के लिए जो पहले जो सिस्टम चल रहा था, बुक एन अपॉइंटमेंट, उस लिंक पर जाइए। वहां पर वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाइए, उससे लॉगिन कीजिए, फिर बाद में अपॉइंटमेंट के लिए अपना अप्लाई कीजिए। और जो प्रोसेस यानी पहले चल रहा था वेब फॉर्म से पहले, वही प्रोसेस है फैमिली के अपॉइंटमेंट लेने का, उसी से लिया जाएगा। इसके बाद में एक सवाल और आ रहा है, कईयों के नूला पासपोर्ट में सारा जो नाम है वो नेम में ही लिखा हुआ है, सरनेम है वो खाली है, और नूलावस्था में उनका जो नेम में जो लिखा हुआ है वही दो बार लिखा हुआ है, तो इसको लेकर के भी काफी सवाल आए हैं। तो देखिए, जो मैंने एक बार पहले भी पासपोर्ट में सरनेम होना है नहीं होना इसको लेकर के वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने साफ बताया था आपको कि इंडिया में सरनेम की कोई नेसेसिटी नहीं है, अनिवार्य नहीं है सरनेम होना, लेकिन इटली में जो है वो सरनेम होना अनिवार्य है। आपके नाम में एक नेम होना चाहिए और दूसरा सरनेम होना चाहिए, ये जरूरी है यहां पर। तो मेरी जो राय थी पहले उस वीडियो में पासपोर्ट वाला, यदि आपने किसी ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देखिए। उसमें मैंने सारा समझाया था कि पासपोर्ट में सरनेम नहीं हो तो क्या करना चाहिए। अब क्या हुआ है कि कईयों के वो सरनेम नहीं है, तो यहां पर जिन्होंने आपके पेपर अप्लाई किए हैं उन्होंने आपके उसी नेम को नेम में रखा है और उसी नेम को सरनेम में रखा है, यानी इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपका वो वैसा ही रहेगा, सरनेम वाला खाली रहे चाहे पासपोर्ट में, लेकिन उसी नेम को ही नेम में और नेम को ही सरनेम में रखा। जैसे किसी का नाम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं जयप्रकाश है, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसको नेम और सरनेम दो बनाया जा सके। जैसे मान लो प्रकाश चंद होता तो उसको प्रकाश को नाम रख लेते, चंद को सरनेम रख लेते, ऐसा कुछ कर लेते, लेकिन अब इसमें क्या तोड़े क्या जोड़े इसका कुछ बन नहीं रहा सही से। वैसे हालांकि बना सकते हैं, इसको भी जय को एक बना दिया, प्रकाश को अलग बना दिया, लेकिन
इस केस में क्या होता है कि कई लोग ये ना करके वो क्या करेंगे कि नेम को ही दो बार लिख दिया, नेम और सरनेम दोनों जगह में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। और इसमें जब आपका पेपर बनेगा, नूल अवस्था आएगी, यहां के पेपर होंगे, उनमें आपके नेम में भी वही होगा, सरनेम में भी वही होगा, पासपोर्ट में आपके केवल नेम में वो लिखा रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जिनको भी ये डाउट हो रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने तो एक बार ही लिखा, इसमें दो दो बार लिखा रहा है, या मेरे में सरनेम है ही नहीं, इसमें सरनेम ये दोनों जगह ये लिखा रहा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि किसी के नेम में केवल एक ही नेम लिखा हुआ था, जो मैंने उदाहरण दिया, जैसे जैसे मान लो अशोक कुमार लिखा हुआ, तो उसमें नेम में अशोक है, सरनेम में कुमार है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में यदि आपकी नूल अवस्था निकल चुकी है, आपके पेपर आ चुके हैं, तो अभी आप पासपोर्ट को मत छेड़िए, जब आप यहां पर आ जाएं, आपके पेपर वगैरह जमा हो जाएं, उसके बाद में आप अपने पासपोर्ट में वो नेम सरनेम है उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं पासपोर्ट रिन्यू का फॉर्म लगा करके यहां पर आने के बाद। इसके बाद में एक सवाल और आया कि यदि जो टूरिस्ट में यहां आ जाते हैं तो वो फिर यहां पर लीगल हो सकते हैं क्या? ये कई दिनों से ये सवाल आ रहा था, बहुत बार अलग अलग लोगों ने पूछा भी है इसको बारे में, तो ये एक संशय सबके पास में है, सबको डाउट है। देखिए, टूरिस्ट में ये आप आएंगे तो साफ है कि आपको वो वीजा यहां पर घूमने के लिए मिला है, ना कि यहां पर रहने के लिए। यदि आप उस पर आए हैं तो आप केवल घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जितने दिन का वीजा है उतने दिन यहां पर रह सकते हैं। जिस दिन वीजा खत्म होता है उस दिन आपको वापस वहां पर लौटना होता है, वीजा खत्म होने से पहले पहले। और इटालियन एम्बेसी का तो स्पेशली मैंने देखा है कि इन्होंने ये सिस्टम शुरू कर दिया है कि इटालियन ही क्या, जहां तक मुझे लग रहा है सेनेगन की जो भी हैं ये कंट्रियां जहां से वीजा लगता है, तो इन्होंने ये कर रखा है कि जिसके पासपोर्ट पर फर्स्ट टाइम वीजा लगता है, पहली बार वीजा लगता है, उनमें वो एक स्टैंप और लगा कर देते हैं, और वो आपको यानी कहते हैं कि जब आप वापस आ जाएं तो एक बार फिर से एम्बेसी आएं, ये दिखाने के लिए कि आप वापस लौट चुके हैं। और उस टाइम पर भी वो फिर एम्बेसी है यानी VFS है जो भी है, वो वापस से मोहर लगाती है, ये बताती है कि ये आदमी गया और वीजा खत्म होने से पहले वापस आ चुका। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, आप पर एम्बेसी का भरोसा बढ़ जाता है, फिर आगे से आप कभी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा जल्दी मिल जाता है, और आपको एक ईमानदार यानी ये समझते हैं कि ये सच में घूमने ही जाता है, वापस आ जाता है। यदि आप नहीं ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वहां पर वो रिकॉर्ड खराब हो जाता है, पहली बात। तो दूसरा, आप यहां पर रुक जाएंगे, यदि आपका वीजा खत्म होने के बाद में यहां पर रुकेंगे तो आप यहां पर इल्लीगल हो चुके हैं, यानी आप बिना डॉक्यूमेंट्स के यहां पर हैं। आपको यदि रास्ते में पुलिस ने रोक लिया तो आपके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि फिलहाल भी अभी तक यहां से वापस नहीं भेजते हैं लोगों को, तो वापस तो आपको कोई नहीं भेजेगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी। आपके साथ में कुछ भी होता है तो आप कहीं भी जाते हैं, मान लो हॉस्पिटल ही जाना हो तो आपके पास में कोई लीगल वो नहीं है डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आप वहां पर आराम से जा सकते हैं। तो अब पहले लोग इस तरीके से आते थे, जो टूरिस्ट पर आते थे और फिर यहां पर रह जाते थे, उसके बाद में वो पेपर जब बनते थे वो बनवा लेते थे। हालांकि अब भी आते हैं ऐसे लोग जो टूरिस्ट पर आकर के यहीं रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते, और फिर जब भी पेपर होता है तो वो पेपर बनवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सानाटोरिया, जब गवर्नमेंट वो ओपन करती है, जिसमें यहां पर रहने वाले इलीगल लोग हैं वो अप्लाई करके और लीगल बन सकते हैं, वो परमेसो दी सोजोर्नो यहां का ले सकते हैं, यहां का रेजिडेंट परमिट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो है उस सानाटोरियो को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आप लोग भी कई बार सवाल पूछते हैं कि सानाटोरियो ओपन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल उसका कोई भी ऐसा डेट नहीं है कि इस दिन ये ओपन होने जा रहा है। लास्ट टाइम जब ओपन हुआ था तो कोरोना के टाइम पर 2020 में ये सानाटोरियो ओपन हुआ था। पिछली यानी जो लास्ट सानाटोरियो ओपन हुआ था उसमें से भी अभी तक ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पर अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक भी उनके पेपर वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी उनके पास में अभी तक परमेश्वर दी सोजोर्नो नहीं मिला है, ऐसे लोग हैं अभी तक। तो आप सोच लीजिए 2020 में उन्होंने अप्लाई किया था और आज 2024 आ चुका है, 4 साल हो गए, अभी तक भी उनको वर्क परमिट यानी जो यहाँ का रेजिडेंट परमिट है जिसको परमेश्वर दी सोजोर्नो बोलते हैं वो नहीं मिला है। तो टूरिस्ट में आकर के यहां पर रहना ये एक रिस्क है मेरी नजर में,
आपके पास में लीगल ऑप्शन है डेक्रेटो फ्लूसी का, जिसमें आप जॉब के लिए यहां पर आते हैं, बाकायदा आपको परमिशन सोजोर्न मिलता है, जो जॉब आपके पास में रहता है तो आप उसे चाहे जब रिन्यू करवा सकते हैं, और ऐसे करते करते यदि आप 5 साल रहते हैं तो उसके बाद में वो 10 साल का परमानेंट आपको मिल जाता है, और उस तब आप यहाँ की नागरिकता भी ले सकते हैं 10 साल के बाद में। तो मेरी तो राय यही है कि टूरिस्ट वाला जो है सिस्टम, उसमें कोई भी यहाँ रहने के तरीके से ना आए तो वो सही रहेगा। बाकी यदि आप आते हैं तो एक रिस्क है, उसको समझ करके आइएगा कि पहली चीज, आपके कोई भी दोस्त जानकार रिश्तेदार यहां पर होंगे तो भी वो आपको अपने पास रखने से भी डरेंगे, क्योंकि मान लो कि मैं ही हूं और मेरा ही कोई रिश्तेदार आ जाता है टूरिस्ट में, और वो वीजा खत्म हो, जब तक उसके पास में वीजा है तब तक तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरे पास में रहे, सोए, घूमे फिरे, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन उसका वीजा खत्म हो गया, उसके बाद में यदि वो मेरे पास भी रहता है तो मुझे भी डर है कि कल को कहीं यदि मेरे पास में कोई चेक करने आ जाए पुलिस वाला, और वो बिना डॉक्यूमेंट का वहां पर मिले, वीजा खत्म हो चुका है और कोई पेपर नहीं है, तो मुझे भी उससे प्रॉब्लम होगी। इसीलिए टूरिस्ट पर आप आते हैं तो ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आप कहाँ जाएंगे, किसके पास में रुकेंगे, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे। कोई फिर बैकवर्ड इलाका, जैसे ज्यादातर नापोली का नाम आता है कि वहां पर इस तरीके से रहते हैं, तो रह जाएंगे आप भी। लेकिन जो पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई थी, स्पेशली जो सतनाम को लेकर के हुआ था, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था, उसके बाद में थोड़ी सी सख्ताई इन चीजों पर भी हुई है, इल्लीगल लोग हैं यानी जो बिना पेपर के लोग हैं उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो फिलहाल जो दिन ब दिन है जो बिना पेपर के लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा, हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि किसी बिना डॉक्यूमेंट वाले को वापस यहां से भेज दिया है इंडिया। लेकिन जैसे अब मालिकों पर ही कार्रवाई होने लग गई कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के आप लोगों को काम पर नहीं रख सकते, जब सतनाम वाला केस हुआ था उसके बाद में काफी जगह छापे पड़े हैं, कईयों को जुर्माना लगा है, तो अब लोग हैं वो काम भी नहीं देते बिना पेपर के। बिना पेपर के लगभग ये मानिए कि 0% ही काम है, यानी कोई क्या, ठीक है 1000 लोगों में किसी एक को मिल रहा है या 10,000 में किसी एक को मिल रहा है, बाकी ये मान के चलिए कि बिना पेपर के काम मिलना भी मुश्किल है। तो आप रहोगे कहां पर, कैसे रहोगे, क्या करोगे, ये सारी प्रॉब्लम आपके आती हैं यदि आप टूरिस्ट पर आकर के और उस उद्देश्य से आते हैं कि यहां पर रह करके हम परमानेंट हो जाएंगे। इसलिए यदि इस बेस पर आना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आइए, अपना पूरा है वो सेटलमेंट करके आइए कि कैसे यानी कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, काम नहीं लगे तो खर्चा कहाँ से आएगा, और पेपर खुलने का कोई पता नहीं कब खुलेंगे जो लीगल वाले होते हैं, जो सनातोरियो है उसका, तो ये सब कुछ है। अब एक वीडियो है वो जल्द ही और बनाऊंगा जो आप सबके लिए काफी उपयोगी होने वाला है, उसके लिए बने रहिएगा, जल्द आएगा, जो कैसे आते हैं क्या करते हैं ये सारी डिटेल उसमें होगी आपके लिए। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो जानकारी दी वो आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी, कईयों के जो सवाल थे उनका जवाब उन्हें मिला है। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, धन्यवाद।